पूरे भारतवर्ष में लोग होली के रंगों में डूबे हुए हैं, तो वहीं ये होली का रंग अब राजनेताओं के लिए टिकट का रंग बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गुरुग्राम कई जगह होली मिलन समारोह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। पहला कार्यक्रम गुरुग्राम की साउथ सिटी में किया गया, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के जरिए मौजूदा पार्षद ने इस होली मिलन समारोह के जरिए बड़े नेताओं को भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया और आने वाले निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी ठोकते हुए टिकट की मांग की। मैं भाई राकेश यादव और प्रवीण लता जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि होली के इस शुभ अवसर पर इस मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी में सबको मिलने का अवसर दिया। होली एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश का त्यौहार है और तकरीबन ये वैसे तो एक दिन मनता है, लेकिन जैसे मैंने स्टेज से कहा कि अब एक हफ्ते तक मनाने लग गए रोज, आज लोगों का मिलने का एक अच्छा दिन था। इतवार था, छुट्टी थी, लोग बहुत आए और इस आर्थिक युग में भी इतने लोग आना ये बहुत बड़ी बात है और सबको मिला के इसने होली का त्यौहार मनाया। मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है हर किसी की, तो किस तरह से आशीर्वाद देंगे? हाँ, महत्वाकांक्षा भी होती है और इस बारे में पार्टी निर्णय करेगी और जो उम्मीद करता परमात्मा उसकी मदद करेगा। वहीं इस कड़ी में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने आने वाले नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए राकेश यादव का नाम मेयर पद के लिए चुना जाए उसको लेकर लोगों का प्यार और मत राकेश यादव की तरफ जाते नजर आए। जनता द्वारा राकेश यादव के लिए लगाए गए नारे और आने वाले चुनाव में मेयर पद के लिए दबंग दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। हमने लिखा था कोरोना काल के बाद लोग घरों में कैद हो गए थे, बड़ी मानसिकता छोटी हो गई थी लोगों की और इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, होते थे तो हुड़दंगबाजी होती थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल भी हमने पूरे गुड़गांव के नगर निगम क्षेत्र के जितने भी विलेज हैं सभी गांव में निमंत्रण दिए थे, सभी को बुला के आपसी परस्पर प्रेम और शांति बनी रहे इस तरह फूलों की होली खेली गई है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के माहौल और कार्यक्रम करते रहें। राकेश भाई, क्या दावेदारी देख रहे हैं मेयर की, जिस तरह से इतना रंगारंग कार्यक्रम किया हुआ है? देखो, हमारे इलेक्शन काउंसलर्स के और मेयर के आने वाले हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन ऐसी कोई अभी प्लानिंग नहीं है कि भाई मेयर का, ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है कि किसको मेयर लड़ाना है और किसको नहीं लड़ना है। आपकी भी दिल की कुछ बात होगी, वो भी आप देखो निरंतर जो है हर आदमी प्रक्रिया है कि कोई किसी भी स्टेज पे हो कि वो आगे बढ़ना हर आदमी चाहता है, हर आदमी की मंशा भी होती है, चाहे इसमें मैं हूँ या आप लोग सभी लोग हैं। तो बिल्कुल, अगर पार्टी ऐसा कुछ आदेश आता है पार्टी का, तो परम प्रेता परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर ऐसी कोई सुविधा बनेगी तो देखेंगे उस टाइम पे। बहरहाल गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव का सभी इंतजार कर रहे हैं और यही नहीं, मानेसर के साथ साथ गुरुग्राम में भी नगर निगम चुनाव नजदीक है, जिसके चलते अब राजनीति पर भी होली का रंग चढ़ने लगा है। नगर निगम की तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब लोगों के बीच होली के इस त्योहार पर राजनीति रंग में रंगने लगी है। फिलहाल इस तरह के कार्यक्रमों के मार्फत जनता के साथ दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव कब होता है। लोगों की मांग है कि नगर निगम चुनाव जल्द होने चाहिए, जिससे गुरुग्राम और मानेसर की समस्याओं का समाधान हो सके। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।